हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे केक, स्पंज केक, प्लेन केक, कस्टर्ड केक, आप कुछ भी कह लें इसको। और ये मैंने शुरू कर दिया। इसमें मैंने 2 अंडे डाल दिए और ऑयल डाल दिया और इसके अंदर मैंने ये चीनी डाल दी। इन तीनों चीज़ों को आपने इतना ज़्यादा ब्लेंड करना है कि ये बिल्कुल एक स्मूथ सा लिक्विड बन जाएगा। बहुत पतला नहीं रखना आपने इसको, तब तक ब्लेंड करना है जब तक ये एक पेस्ट और थिक लुक में नहीं आ जाता। ये ब्लेंड हो रहा है और बच्चे अभी सो रहे हैं, और जब वो उठेंगे सुबह नाश्ते टाइम पे तो वो देखेंगे कि केक रेडी हो चुका है। मैं ऐसे ही छोटे छोटे सरप्राइज़ बच्चों को देती रहती हूँ, चीज़ें बनाती रहती हूँ, और आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल इस तरह से आपको स्मूथ लुक में मिलेगा। इसके अंदर मैंने 1 कप मैदा डाल दिया और फिर इसमें मैंने 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, मैंगो वाला कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब चीज़ें मैंने इसमें मिक्स की हैं। अब मैं बड़ी खामोशी से काम कर रही थी ताकि बच्चे उठ ना जाएं। ये मैंने रात के टाइम केक बनाया है। 1 कप दूध डाल दिया इसमें। इन सबको मैंने मिक्स किया अच्छी तरह से। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक पैन भी आपने तैयार कर लेना है जिसके अंदर आपने ग्रीस ऑयल करके और एक पेपर लगाना है। मेरे पास बटर पेपर ख़त्म था तो मुझे जो समझ आई उस टाइम पे मैंने किया, वनीला एसेंस और फूड कलर। फूड कलर मैंने येलो, आम जो जर्दा रंग होता है उसको मैंने दूध के अंदर मिक्स किया, 2 चम्मच दूध में मैंने मिक्स किया था और वो डायरेक्ट नहीं डाला मैंने। और ये मैंने पैन में डाल दिया केक बैटर, और इसको आपने 3 या 2 दफ़ा ऐसे अच्छी तरह से टैप करना। 45 मिनट्स के लिए आपने बेक करना है अगर आप चूल्हे पे कर रहे हैं, और अगर ओवन पे कर रहे हैं तो आपको पता है 120 पे या जिस तरह भी है। इसको ठंडा होने के बाद मैंने इसको निकाल दिया और ये कुछ इस तरह से बहुत अच्छा बना है, जला नहीं है। मैंने इसको चूल्हे पर बनाया है, ओवन में नहीं बनाया। और बैका उठ गई थी, मेरे पास आ गई थी देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ। ये केक बिल्कुल डन हो चुका है और आप अगर इसको चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ क्रीम लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने बच्चों को खुश करने के लिए इसके ऊपर मैंगो जैम लगा दिया और उसके ऊपर कलरफुल बंटी लगा रही थी। जिस टाइम बंटी मैंने पैकेट खोले तो उसके शोर से रुबैका उठ गई। वो हमेशा ऐसी करती है चीज़ खाने के लिए, उसको एक पैकेट की आवाज़ भी आएगी तो वो उठ जाती है। ये मैंने बंटी सब लगाई इसके ऊपर ताकि बच्चे खुश हो जाएं देख के।